आज की इस एनवेथॉन में भाग लेने के लिए आए मेरे प्यारे बच्चों, मंच पर उपस्थित मेरे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथी श्री सी के मिश्रा जी, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट श्री अनिल कुमार जैन जी, एडिशनल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट श्री सिद्धांता दास जी, डीजी फॉरेस्ट और हमारे यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कम्युनिकेशन के डायरेक्टर नयसेन साहिबा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सीआरपीएफ के सभी जवान, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के दोस्त, इन बच्चों के साथ आए सभी टीचर्स, मैं हृदय की गहराइयों से आज के इस बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र कार्यक्रम में आप सब बच्चों को विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने देश के पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, मैं जानता हूं कि आप सब लोग आज शायद अपने घर में 3 बजे 3:30 बजे उठे हैं, नहा धोकर 4 बजे अपने घर से चले हैं और मुझे बताया गया कि 5 बजे बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर बच्चे आ गए थे। इसलिए सबसे पहले तो आप सब बच्चे अपने ही लिए खूब ढेर सारी तालियां बजाइए। हम भारत के लोगों को आप सब बच्चों के ऊपर बहुत गर्व है और आज तक भारत के अंदर जितने भी सामाजिक आंदोलन सफल हुए हैं, जितने भी अच्छे काम देश सफलतापूर्वक करने में कामयाब हुआ है, उन सब कामयाबियों के पीछे अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो वो हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का है, जो सारे समाज के अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी जागृति पैदा कर देते हैं अपने अच्छे कामों से कि सारा समाज अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। आज अगर देश पोलियो मुक्त हुआ तो वो भी आप सबके सहयोग से हुआ, क्योंकि आप सब पोलियो उन्मूलन के आंदोलन में पोलियो सैनिक बन गए थे। और आज आप पर्यावरण की रक्षा के सबसे बड़े पर्यावरण रक्षक बनकर सारे देश के अंदर पर्यावरण की रक्षा के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हो, इसलिए मैं आप सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बच्चों, आज का दिन हम दो कारणों से यहां पर एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं कि परसों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस, और इस बार भारत के लिए ये खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि सारी दुनिया के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का सबसे बड़ा कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के चीफ ने ये तय किया कि इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया के लिए भारत करेगा, और इसलिए भारत के अंदर ढेरों कार्यक्रम सारे देश भर में पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। जिस तरह से आज पर्यावरण की रक्षा के लिए आप दिल्ली में दौड़ेंगे, ऐसे हमारे देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर दूसरे स्थानों पर आपके जो भाई बहन दूसरे शहरों में पढ़ते हैं वो भी इसी प्रकार के एनवेथॉन के अंदर दौड़ने वाले हैं। परसों हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सबको भी आशीर्वाद देंगे और सारी दुनिया को पर्यावरण के रक्षा के लिए अपना संदेश देंगे। आज एकत्रित यहां होने का एक दूसरा कारण भी है, जो मैं अभी अभी भारत के उपराष्ट्रपति जी के साथ, आज वर्ल्ड बाइसिकल डे भी है, पहली बार दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड बाइसिकल डे को
एक औपचारिक मान्यता देकर पहली बार सारे संसार के अंदर आज 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जा रहा है। अभी मैं आप ही की तरह 5000 से ज्यादा बच्चों को साइकिल के साथ कनॉट प्लेस से भारत के उपराष्ट्रपति जी के साथ हम लोग फ्लैग ऑफ करके उन्होंने सबने ये संकल्प लिया कि हम अपने जीवन के अंदर साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे, क्योंकि साइकिल भी हमारे जीवन के अंदर हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, हमारी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और इसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बहुत बेहतरीन ग्रीन गुड डीड है। इसलिए आज मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं, भले ही आप साइकिल पर नहीं, आप तो अपने पैरों पर बहुत तेजी से आज दौड़ने वाले हैं, लेकिन आज के अवसर पर अपने जीवन के अंदर एक ये ग्रीन गुड डीड जरूर आप अपनाने का संकल्प करें कि हम हमारे जीवन के अंदर कम से कम हर रोज जहाँ खेलते कूदते हैं वैसे ही आधा घंटा कम से कम साइकिलिंग करने की भी आदत डालेंगे। आज के इस अवसर पर मैं जो आपका इस वर्ष का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक ही थीम है कि हमें अपने जीवन से प्लास्टिक को जितनी जल्दी से जल्दी उसका इस्तेमाल समाप्त कर सकते हैं उसको समाप्त करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन के अंदर तिलांजलि देनी है, उसका इस्तेमाल जितनी जल्दी हो सकता है समाज से हमें समाप्त करना है। और इसलिए इस दौड़ के माध्यम से आपने अपने देश के लोगों को एक ही संदेश देना है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब अपने आप को समर्पित करें, और आपने एक ही संदेश देना है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से समाप्त कर सकते हैं ताकि हम अपने नदियों की, अपने समुद्रों की, अपने जीव जंतुओं की, अपनी गौ माता की, समुद्र के अंदर मैरिन लाइफ की, इन सब की किस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर, मैं जानता हूं कि सुबह 5 बजे से यहां पर आप हैं, सभी जो आर्टिस्ट जिन्होंने आपके मनोरंजन के लिए यहां बहुत खूबसूरत कार्यक्रम यहां प्रस्तुत किए, कुछ कार्यक्रम मुझे भी देखने का मौका मिला, उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग आज यहाँ इस दौड़ को प्रारंभ करने से पहले अपने स्थान पर खड़े होकर अपना हाथ ऊपर करके एक छोटी सी शपथ मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस शपथ को लेने के लिए आप इस शपथ को अपने जीवन के अंदर उतार लीजिए, और आपके माध्यम से ये इतना बड़ा संदेश पूरे भारत में और पूरी दुनिया के अंदर जाएगा कि शायद सारी दुनिया के लोगों को भारत के बच्चों के ऊपर गर्व होगा। इस अवसर पर और कुछ नहीं कहूँगा, आपको सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपकी अच्छी खुशी के लिए, आपके बेहतरीन कैरियर के लिए, आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए, आपको अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का आशीर्वाद मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, यही मेरी कामना है। और अब मैं अपनी शपथ आपको लेने के लिए, अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए निमंत्रण देता हूँ। कृपया सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अभी सब लोग पूरी तरह से अगर शांत होंगे तभी जो मैं आपके सामने बोलूँगा उसको आप ठीक प्रकार से सुनकर और वापस दोहरा पाओगे। मैं छोटे 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 थोड़े थोड़े शब्द ही बोलकर अपनी शपथ को जो आपने लेनी है आपके सामने रखूंगा। अगर आप सब अपना थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लें तो ये लगेगा कि आप बहुत जोर से संकल्प ले रहे हैं, पूरे मन और आत्मा से पूरी ऊर्जा के साथ संकल्प ले रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी थोड़ा ऊपर करने के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आपको सामने करने के लिए जगह कम होगी, ऊपर अगर कर लेंगे तो सबका हाथ जो है हमारे को दिखाई देगा। अब जो मैं शपथ आपके सामने बोलूंगा, जितना मैं बोलूंगा उतना आप पीछे दोहराते जाएंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में हर रोज कम से कम
एक ग्रीन गुड डीड करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद अपने जल संसाधनों, वनस्पति एवं जीव जंतुओं को प्लास्टिक से मुक्ति दिलाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताएंगे एवं इसकी रोकथाम के बारे में आग्रह करेंगे। हम अंत में फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। अब अपने लिए खूब ढेर सारी तालियां बजाइए, इसके बाद हमारा ये एमिथॉन जो है शुरू होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।